दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में भी आपको जो है सेटिंग्स में हिडन ऐप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है अगर आपके पास Redmi MI का मोबाइल है और अगर आपको सेटिंग्स में हिडन ऐप्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा दिखना बिल्कुल भी स्कीप मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस अगर आपको भी अपने जो है रेडमी मोबाइल में सेटिंग्स में हिडन्स ऐप्स का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है आपको कहीं पर भी हिडन्स एप्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है पहले जो है एप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप लॉक में आपको जो है साइड में आपको ऑप्शन दिख जाता है लेकिन फिलहाल अभी जो है Redmi मोबाइल में कहीं पर भी ऐप लॉक का ऑप्शन ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है हिडन ऐप्स का ऑप्शन जो है नहीं दिख रहा है तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा सिंपली आपको जो है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सर्च सेटिंग्स का आपको एक ऑप्शन सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा तो सिंपली सर्च सेटिंग पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर गईस आपको जो है हिडन ऐप आपको सर्च करना है यहाँ पर आपको हाइड ऐप वगैरह सर्च नहीं करना हिडन ऐप जैसे आप सर्च करोगे तभी आपको वो ऑप्शन आपको मिलेगा तो एच आई डबल डी ई एन और यहाँ पर गईस आपको ऐप सर्च करना है हिडन्स ऐप टाइप करने के बाद यहाँ पर हिडन ऐप्स करके आपको ऑप्शंस मिल जाएगा तो सिंपली सिंप्लीग आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हिडन्स ऐप्स का ऑप्शन आ चुका है अब गाइज यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो सिंपली सिम्पलगाइज आप उस एप्लीकेशन के आगे आप ऑप्शन को आप चालू कर सकते हो यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद एप्लीकेशन जो है हाइड हो जाएगी तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप जो है हिडन्स ऐप्स वाले ऑप्शन को आप जो है सेटिंग्स में ढूंढ सकते हो इस तरीके से जैसे आप हिडन ऐप सर्च करोगे सेटिंग्स में आने के बाद सर्च सेटिंग पर क्लिक करके हिडन ऐप सर्च करते ही आपको सेटिंग्स में हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा इसके बाद आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा